दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुलखान के सभी टीवी सीरियल सुपरहिट होते हैं और अब एक और न्यू टीवी शो आने वाला है गुलखान का नमक इश्क का, जिसका प्रोमो आप कलर्स चैनल पर देख रहे होंगे। इस चैनल ने आने से पहले ही इतनी ज्यादा धूम मचा दी है कि दर्शक इस टीवी सीरियल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को इस टीवी सीरियल में छमछम रानी का लीड किरदार श्रुति शर्मा निभाती हुई नजर आएगी। वहीं इनके अपोजिट आदित्य ओझा युग प्रताप राजपूत का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इन दोनों के अलावा आप इस टीवी सीरियल में युग प्रताप की माँ के रूप में मोनालिसा को देख रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, युग प्रताप की मां का किरदार मोनालिसा को मिलने से पहले टीवी की कई मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्रियों को ऑफर किया गया था। उनके रिजेक्ट करने के बाद ही ये किरदार मोनालिसा को मिला। अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही सुपर हिट शो नमक इश्क के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दे। नंबर 5 पर आती है श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी को आप सभी ने कसौटी जिंदगी की टीवी सीरियल में देखा होगा। इस टीवी सीरियल से इन्होंने काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी और इसी टीवी सीरियल के जरिए ये घर घर में जानी जाने लगी थी। इनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नमक इश्क का शो के मेकर ने इन्हें इरावती वर्मा का किरदार ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया। 4th नंबर पे है आमना शरीफ। आमना शरीफ को भी युग प्रताप राजपूत की मां का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन शो के मेकर्स और आमना शरीफ की बात आपस में कुछ बन नहीं पाई, जिसके कारण शो के मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3rd पर आती है वाहबीर दोराब जी। जी हाँ दोस्तों, वाहबीज को भी नमक इश्क का में इरावती का नेगेटिव किरदार निभाने का मौका मिला था, लेकिन वाहबीज ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो नेगेटिव किरदार नहीं करना चाहती। नंबर 2 पर आती है शांतिनी घोष। जी हाँ दोस्तों, नागिन टीवी सीरियल से फेमस हुई शांतिनी घोष को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कई मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुकी है और आज टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी है। इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही किरदार निभाए। दोनों ही किरदार से दर्शकों के बीच में एक खास जगह बना रखी है, जिसके बाद इन्हें नमक इश्क का टीवी सीरियल में इरावती वर्मा का किरदार ऑफर किया गया, लेकिन इन्होंने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थी। नंबर 1 पर आती है शिल्पा शिंदे। आप सभी ने शिल्पा शिंदे को भाभी जी घर में है टीवी सीरियल में देखा होगा। इस टीवी सीरियल से इनकी पॉपुलैरिटी रातों रात आसमान छूने लगी थी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बिग बॉस की विनर भी रह चुकी है, जिसके बाद नमक इश्क का में इन्हें इरावती वर्मा का किरदार ऑफर किया गया तो इन्होंने इस किरदार को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि वो नेगेटिव किरदार से टीवी इंडस्ट्री पर वापसी नहीं करना चाहती। जिसके बाद इरावती वर्मा का नेगेटिव किरदार मोनालिसा को ऑफर किया गया और मोनालिसा ने इस किरदार को साइन कर लिया और अब आप नमक इश्क का में मोनालिसा को इरावती वर्मा का नेगेटिव किरदार निभाते हुए देखोगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या मोनालिसा से अच्छे से ये अभिनेत्री इस किरदार को कर सकती थी या फिर नहीं। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।